दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी कमर कस ली है। दिल्ली में स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाकर पहले मुकाबले के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले अभ्यास सत्र में पूरी इंटेंसिटी के साथ आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला भी खेला, जिसमें एक टीम की कप्तानी ऋषभ पंत, दूसरी टीम की कप्तानी महान कप्तान ऋषभ पंत के साथ हार्दिक पांड्या ने करी और दो खेमों में बांटी टीम इंडिया के लिए। इस मैच में लगभग सभी खिलाड़ियों ने प्रभावित किया अपने प्रदर्शन से, लेकिन अंत में ऋषभ पंत की टीम ने बाजी मारते हुए हार्दिक पांड्या एंड कंपनी ने करीबी मुकाबले में जीत हासिल की और इस तरह सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम अंजाम दिया। दोस्तों आखिर कैसे ऋषभ पंत की टीम पड़ी हार्दिक पांड्या की टीम पर भारी और जीता मुकाबला, वो सब तो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देने के लिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ कैप्टन केएल राहुल और सभी खिलाड़ी जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 9 जून से टीम इंडिया 3 T20 मैचों के लिए साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी और इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली से लेकर जसप्रीत बुमराह तक को रेस्ट देने के बाद कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया। वहीं टीम का कप्तान केएल राहुल को नियुक्त किया गया तो उप कप्तान ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए भारतीय टीम ने मैच सिचुएशन में खुद को ढालने के लिए आपस में इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें दो खेमों में बटी टीम के लिए एक टीम की कमान हार्दिक पांड्या ने संभाली तो वहीं दूसरी टीम की बागडोर ऋषभ पंत के कंधों पर रखी। इस मैच में दोस्तों टॉस जीतकर ऋषभ पंत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऋषभ पंत की टीम में राहुल के साथ ओपनिंग करने आए ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पहले पावर प्ले में 9 गेंदों में ही किशन ने, आपको बता दें कि 32 रन बना डाले और 2 चौके और 3 छक्कों से सजी अपनी पारी को ईशान किशन लंबी पारी में बदल नहीं पाए। उन्हें अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। राहुल का साथ निभाने आए श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने उनके साथ मिलकर टीम को 12 ओवर तक 110 रनों तक पहुंचा दिया और जिसमें एक छोर पर संभल कर राहुल धीमी धीमी बल्लेबाजी कर रहे, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ 38 रन बनाए। 19 गेंदों में 38 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को रवि बिश्नोई ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद कप्तान पंत ने राहुल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बरसात कर दी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 210 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया, जिसमें राहुल ने 60 गेंदों में 90 रनों की लाजवाब पारी खेली तो वहीं कप्तान पंत ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 18 गेंदों में ही 44 रन जड़ दिए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की टीम को जीत के लिए 20 ओवरों में 211 रन बनाने थे, ऐसे में जरूरत थी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत की। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने आए वेंकटेश अय्यर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पारी के दूसरे ही ओवर में उमरान मलिक का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर राहुल के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने केवल 10 ओवर में ही टीम का स्कोर 120 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 52 रन जोड़ डाले थे। हालांकि 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने अपने इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को आउट करके हार्दिक की टीम को जबरदस्त झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने कप्तान के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना तो शुरू किया, लेकिन इस दौरान टीम की रन गति काफी धीमी थी। 10 ओवरों में 120 रन बनाने वाली हार्दिक की टीम अगले 15 ओवर तक केवल 155 रन ही बना सकी और अब टीम को जीत के लिए अगले 5 ओवरों में 56 रनों की दरकार थी। इसके बाद अक्षर ने अगले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दिया, लेकिन 13 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद अब वो पवेलियन लौट गए और अब अगले 3 ओवरों में हार्दिक की टीम को जरूरत होती है 38 रनों की और बल्लेबाजी करने के लिए आए दिनेश कार्तिक ने भी 18वें ओवर में 17 रन जोड़ दिए, जिसके बाद हार्दिक की टीम
टीम जीत की तरफ बड़े आराम से बढ़ रही थी। कार्तिक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत हार्दिक पांड्या की टीम को अब आखिरी ओवर में 11 रनों की दरकार थी, लेकिन यहीं पर हर्षल पटेल ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करके हार्दिक एंड कंपनी को 11 रन नहीं बनाने दिए। आपको बता दें कि हर्षल ने पूरे ओवर में केवल एक ही चौका खाया और इस दौरान हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक दोनों को धीमी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाकर पंत की टीम को एक रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। 211 रन के जवाब में हार्दिक एंड कंपनी 207 रन ही बना सकी और इस तरह से ऋषभ पंत की टीम हार्दिक पांड्या की टीम के ऊपर भारी पड़ी और 3 रन के करीबी अंतर से मुकाबले को जीत दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।